दरभंगा में नकली स्पार्क की कंपनी का प्रोडक्ट बेचने वाले को पुलिस ने धर दबोचा। दरभंगा जिला के नगर थाना स्थित बड़ा बाजार में प्राप्त सूचना के अनुसार नगर थाना की टीम दलबल के साथ दुकान पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि कुछ दुकानदार बड़ा बाजार में स्पार्की कंपनी का डुप्लीकेट जींस शर्ट बेच रहे थे। पुलिस प्रशासन को स्पार्की कंपनी के कर्मचारियों से सूचना मिली थी, जिसके बाद नगर थाना की पुलिस दलबल के साथ पहुंची, छापेमारी की और 15 से 20 लाख का सामान जब्त कर थाने ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जिन दुकान पर छापा पड़ा है वह इस प्रकार है। रुद्र ट्रेडिंग दरभंगा से नकली स्पार्की जींस पैंट इत्यादि जब्त किया गया। वहीं दूसरा दुकान बाबा हैंडलूम, जिनके प्रोप्राइटर ओम प्रकाश, उनके यहां से 219 जींस बरामद हुआ। तीसरा दुकान वर्मा ट्रेडर्स, जिनके मालिक अभिषेक कुमार, उनके यहां से 189 पीस जींस स्पार्की का शर्ट बरामद हुआ। मालिक तब देखिएगा, मालिक अभी नहीं है। मालिक बुलवाइए, बुलवा रहे हैं। मालिक भी मेडिकल में गया हुआ है, कैसे बुला जाएगा तुम? नाटक हो गया, आपका दुकान नहीं है तो सर, आप कहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में? आपका दुकान है, सुनिए हमारा बात, सुनिए दीजिए, आपका दुकान है ही, इंटरफेयर मत करिए। आपका दुकान नहीं है, ये खोल रहे हैं आप, इंटरफेयर मत करिए। आपकी दुकान है या नहीं है दीजिए, आप लोग आपकी चोरी में साथ मत दीजिए, चोरी में साथ मत दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है, तो नहीं है आपके पास? नहीं होगा छोड़ दूंगा। नहीं है ना, तो हमको दिखा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। चार चोरी में साथ मत दीजिए, चार दुकान में किए, जो था उसको लिए, मां जिसका नहीं था उसको छोड़ दिए। चोरी में साथ मत दीजिए, होगा नहीं होगा छोड़ जाएंगे, बताइए। आप आइए ना और जगह से, नहीं है और जगह से, देखिए आए हम, देखिए आए, चला जाएगा। मारी छोड़ना पुलिस चला नहीं जा सकता, पूछ लीजिए, बस्ती आप नहीं जाइएगा, आप जब ले जाइए जब, आपका दुकान नहीं जाना है। नगर थाना जिसको ले जाने नहीं आए हैं, आपके दुकान में जो आप सामान बेच रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट चल रहा है वो जब आप सही से बेचते होंगे, यहाँ पे नहीं है गोदाम में, तो गोदाम में होगा, हमें मालूम है। ओनर आएगा ना तभी जाएगा, ये लड़का ऐसे नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, जहाँ भी जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? वो हॉस्पिटल में गया हुआ है, वो आएगा कहाँ लेके? आप कौन है? हम भाई हैं उसके, आपके भाई हैं। आप फोन करके वो गोदाम खुलवाइए। ये मेरा गोदाम नहीं ना, ये कैसे खुलवाइए, दूसरे का गोदाम है ये, गोदाम इनका नहीं है सर। आप दोस्ती के जान नहीं रहे हैं, आप लोग भी एकदम ठीक बात है, एकदम बढ़िया रेट की है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है वहाँ भी आप लोग रेट मार रहे हैं, वहाँ भी होती है सर। सर मैं भी भारतीय जनता पार्टी हूँ, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ, स्पार्की जींस की तरफ से हूँ मैं। तो हमें सूचना थी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्पार्की जींस का नकली माल बेच रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई के लिए हम अपनी टीम लेके आज आए यहाँ पे। वैसे हम आए तो दो तीन दिन हो गए, हम एसपी साहब से मुलाकात किए थे, तो एसपी साहब हमारे यहाँ के शायद ट्रांसफ़र हो रखी है, दूसरे आए हैं तो उसे भेंट नहीं हो पाया, तो एसडीपीओ साहब से परमिशन ली, फिर जहाँ थाना प्रभारी से बात करके, तो आज तीन दुकानों पे हमने छापामारी की है। किस थाना का सहयोग से छापामारी की है? ये नगर थाना है यहाँ का, दरभंगा जिला का नगर थाना है, यहाँ से हमने छापामारी की है। तो साहब की टीम थी उससे, पुलिस स्टाफ के साथ, तो तीन दुकान आ रहे, एक रुद्र ट्रेडर करके और एक बाबा हैंडलूम और एक ये वर्मा ट्रेडर करके, ये तीन दुकानों पर छापामारी की, तो लाखों का माल पकड़ा है, आगे की कार्रवाई चल रही है। जैसे की माल होगी, करीब कितने की माल होगी? करीबन अभी अंदाजा में तो करीबन 15 से 20 लाख रुपए का माल है। तो ये माल कैसे आपको जानकारी मिली और आप अचानक यहाँ पहुँचे? देखिए हमारी टीम है, बिहार पूरे में हमारा सर्वे चलता रहता है, हमारी टीम जगह जगह सर्वे करती थी, कुछ हमारी सेल्स टीम से भी इनपुट आता है, उस दौरान हम लोग सेक्शन को अंजाम देते हैं। कितने आदमी को पकड़ा गया? तीन आदमी पकड़े गए। कितने का फर्क आपको लगता है कि आपका जो जो यहाँ माल पकड़ा, ओरिजिनल में डुप्लीकेट में क्या अंदर? ओरिजिनल डुप्लीकेट सर, जो नकली है वो तो बिल्कुल 300-400-500 रुपए का पेंट है, जिसको 2,000-3,000 करके बेचा जा रहा था। ओरिजिनल का, ओरिजिनल की कीमत तो 1,200-1,500 रुपए है ही है। सामान में क्या क्या है? सामान में जींस पैंट है और शर्ट है। क्या प्रशासन से क्या आपकी मांग है? प्रशासन से मांग कुछ नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जो थाना प्रभारी है वो कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। कितने लोगों की टीम आप लोग आए हैं, कहाँ से? हम लोग 6 लोग आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से? अच्छा, जिनको पकड़ा गया उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके ऊपर मुकदमा दिया जाएगा, कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दिया जाएगा। नाम बताया जाए? नाम उनका नाम अभी संज्ञान में नहीं। आप अपना नाम? मेरा नाम परविंदर सिंह है। आप कंपनी में क्या है? मैं अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर हूँ। किस कंपनी? मैं ब्रिस्काई से हूँ, मैं ब्रिस्काई का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो हमारी कीमत, हमारी कंपनी ऑथराइज है स्पार्क की जींस से, जिसके तहत हम ये कार्रवाई करते हैं। ये सारा नकली सामान बेच रहे हैं? ये सारा नकली सामान दरभंगा टावर के आसपास पकड़ा गया। बड़ा बड़ा बाजार करके मार्केट है कोई, वहाँ से पकड़ा गया।
क्या लग रहा है, कितने दिनों से चल रहा होगा ये कारोबार? बहुत टाइम से चल रहा है, इनपे काफी टाइम से इनपुट था हमें, बट जब टाइम मिलेगा तभी इनसे कार्रवाई हो पाएगी। तो आज इनके नंबर आ गए तो आज इनसे कार्रवाई चल रही है। तो ये कार्रवाई पूरे बिहार में चलती रहेगी, बिहार में चल भी रही है और चलते आगे भी चलती रहेगी। आखिर ऐसे ऐसे लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? सर अपने निजी फायदे के लिए, छोटे लालच के लिए। इससे कंपनी जी एस टी की चोरी है, कंपनी की साख गिरती है, कंपनी का जो ब्रांड है उसकी साख खत्म हो जाएगी। मैंने सरकार के राजस्व के भी ये लोग, बिल्कुल राजस्व की चोरी तो है, जी एस टी की चोरी तो है, वो तो ऑब्वियसली है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और बेनिकॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।